करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जेल में कैदियों को दिया जाएगा बैटरी प्रशिक्षण, निजी कंपनी की मदद से आत्मनिर्भर बनेगी कैदी। सिसोदिया ने पहले मोदी सरकार पर हमला किया, फिर बोले चलिए सो जाइए सपने इंतजार में होंगे। 11 जनवरी को हुआ था लाल बहादुर शास्त्री का निधन, तो देखते है कभी विस्तार। धर्मशाला, जेल में सजा काट रहे कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा बेकरी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में कैदियों को केक, पिज्जा, पेस्ट्री बनाने का काम सिखाया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य मकसद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे सजा काटने के बाद कैदी अपना कारोबार शुरू कर सकेंगे। निजी कंपनी कैदियों को ये प्रशिक्षण दे रही है। नई दिल्ली, सेलेक्ट कंपनी के फैसले के बाद केंद्र की मोदी सरकार में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को हटा दिया है। सीबीआई का प्रभार अतिरिक्त निदेशक एम नागेश्वर को दिया गया है। इसको लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर हमला बोला। नई दिल्ली देश के दूसरे प्रधानमंत्री और जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री का 11 जनवरी 1966 को निधन हुआ था। शास्त्री अपना साफ सुथरी छवि और सादगीपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज़ की खबर देखने के लिए आदित्य स्टोर से एमएनएस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब